नमस्ते दोस्तों, आज ले आए हैं हम आपके लिए एक और ब्यूटीफुल इंडियन सिटी वीडियो, जिसे हम गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट और असम स्टेट के सबसे बड़े सिटी गुवाहाटी की। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं असम की धड़कन गुवाहाटी सिटी। दोस्तों, गुवाहाटी शब्द गुआ और हाट से लिया गया है, जिसका मतलब सुपारी और बाजार होता है, यानी सुपारी का बाजार। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये शहर असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा डेवलप्ड और इकोनॉमिक हब सिटी है, इसलिए इस शहर को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। गुवाहाटी को दुनिया का सबसे बड़ा चाय का बाजार माना जाता है। IIT होने के नाते इस शहर का नाम एजुकेशन सेक्टर में पूरी दुनिया में फेमस है। न सिर्फ अपने एजुकेशन बल्कि IIT गुवाहाटी अपने कैंपस के लिए भी जाना जाता है, जो कि सच में काफी यूनिक और खूबसूरत है। 1528 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा ये शहर असम का सबसे रिच सिटी है, जिसका GDP 8 बिलियन डॉलर्स का है और पर कैपिटा 6100 US डॉलर का है। गुवाहाटी का ऑफिशियल लैंग्वेज असमीज है, पर यहाँ पर हिंदी, बंगाली और इंग्लिश भी बोली जाती है। इस शहर का HDI 0.703 हाई लेवल का है और लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो 940 प्रति 1000 का है। गुवाहाटी के लोगों को प्यार से गुवाहाटियन कहा जाता है और इस शहर का व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड AS01 है। गुवाहाटी का सिटी एनिमल गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है और यहाँ का लिटरेसी रेट 91.47% का है। गुवाहाटी का कुल जनसंख्या 2023 में 13 लाख का है और पॉपुलेशन डेंसिटी है 4400 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इस शहर में आपको सारे रिलीजन के लोग पीसफुली रहते हुए मिल जाएंगे, जहाँ 85% सनातन हिंदू, 12% इस्लाम, 1% क्रिश्चियन, 1% जैन और 1% में सिख, जैन, बौद्ध और दूसरे रिलीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे। गुवाहाटी शहर का मुख्य व्यवसाय चाय है, इसके अलावा टूरिज्म, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स और ऑयल का भी है। ये शहर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। गुवाहाटी शहर में कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में इस शहर को और भी विकसित करने में मदद करेंगे, जैसे कि गुवाहाटी मेट्रो रेल, विलेज गेम्स 2, ब्रिजेस ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑफ गीता मंदिर कैंपस जैसे और भी सारे प्रोजेक्ट्स या तो ऑनगोइंग हैं या फिर जल्दी शुरू होने वाले हैं। एक टूरिज्म फ्रेंडली सिटी होने के नाते गुवाहाटी में आपको ढेर सारे ऐसे जगह देखने को मिल जाएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसमें सबसे पहले और सबसे फेमस है कामाख्या माता मंदिर। नीलांचल पहाड़ी पर बसा ये मंदिर एक विश्व विख्यात दर्शनीय स्थल है, जो कि सनातन परंपरा का एक मुख्य केंद्र भी है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप गुवाहाटी आएं और कामाख्या माता मंदिर देखे बिना ही चले जाएं तो आपकी यात्रा अधूरी है। इसके अलावा वशिष्ठ आश्रम और नौग्रा मंदिर भी यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा आप गुवाहाटी में यहाँ का चिड़ियाघर, शंकरदेव कला क्षेत्र, असम स्टेट म्यूजियम, डॉक्टर भूपेन हजारिका समाधि क्षेत्र, गुवाहाटी प्लेनेटेरियम और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सरायघाट ब्रिज जैसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस को विजिट कर सकते हैं। आज के गुवाहाटी महानगर में कई सारे उद्योग विकसित हुए हैं। फैंसी बाजार, पान बाजार, पल्टन बाजार जैसे एरियाज महानगर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र हैं। दोस्तों, इस शहर का वजूद बहुत पुराना है। इसका नाम सदियों पहले प्राग ज्योतिषपुर हुआ करता था, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी पाया जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा साम्राज्य अहोम वंश रहा है, जिसने मुगल काल में सरायघाट के किनारे मुगलों को 17 बार युद्ध में हराया और उन्हें असम पर कब्जा नहीं करने दिया। गुवाहाटी और पूरे असम के सबसे शूरवीर योद्धा और नायक लचित बोरफुकान को माना जाता है, जिनके लिए न सिर्फ असम के लोगों बल्कि पूरे देश के लोगों में अथाह श्रद्धा है। असम के फेमस त्योहार बिहू का शुरुआत यहीं से हुआ था। इसके अलावा गुवाहाटी प्राचीन काल में नरकासुर का राजधानी भी हुआ करता था। तो दोस्तों, क्या आपको गुवाहाटी शहर के ये अननोन फैक्ट्स पता थे? तो ये था गुवाहाटी शहर का फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर हर जगह शेयर कर दीजिए और अगला कौन सी सिटी का वीडियो देखना है कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर असम या गुवाहाटी से ये वीडियो देख रहे हैं तो इस शहर के बारे में और भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद।